मटन में आपको थोड़ी शिकायत मिली जरा? बिल्कुल मिली है, मिली ना। बाकी मटन में भाई शिकायत मिली है, ठीक है सर। मटन पे थोड़ी तवज्जो दे, नोट कर दे। मटन को मुर्गी खिलाएं, सही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है भाई। आज हम लोग जा रहे हैं, रात को तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं बुफेट डिनर करने के लिए क्लॉक टावर, जो कि पहले एक वक्त में सॉल्ट एंड पेपर हुआ करता था, विलेज होटल हुआ करता था। तो वहां पे आज जाएंगे मैं, मिश्कात भाई। मामा कैसे है? ठीक ठाक, मजे में? खैरियत? मजे में है। तुम्हारा पठान भाई है ना यार, आज पठान का कैप पहन कर आए। पठान का कैप पहन कर आए, क्या खिला रहा है आज हमको? आज है बुफे में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। और पीछे हमारा सोनू भाई भी है। सोनू भाई जय श्री राम। तो भाई यहाँ से भी हम लोग इत्तेहाद रोड पे हैं, क्लॉक टावर पहुंच रहे हैं, ये मेन सीढ़ियों के ऊपर है। तो चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे, आओ मेरे नाल, मामा जल्दी आओ, आओ मेरे नाल। वो देखिए जी, क्लॉक टावर आ गया है और क्लॉक टावर हमारा इंतजार कर रहा है। अभी हम गाड़ियां की पार्क करते हैं, लेफ्ट राइट पे पार्क कर दें वहाँ पे। ये रहा क्लॉक टावर, थी क्लॉक टावर वेट कर रहा है खाने का, और नहीं मतलब खाना हमारा वेट कर रहा है। कितने पैसे मांग रहा है? अरे हजार बड़े में, दस का नोट पड़ा है, 10 का नोट इसको दे दो ना। कितने हैं? पूछे से कितने हुए हाँ भाई, कितने? 40 चलो 40 ये 40 रुपये 40 रुपये में पार्किंग हो जाएगी वहाँ पे। हम आ गए हैं भाई अंदर और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अभी खाना जाके खाते हैं और अभी जो है मैं मिश्कात भाई को पकड़ता हूँ और मिश्कात भाई को लेके फिर मैं जाता हूँ खाने के लिए। जी जी, यहाँ पे देखें, ये मिश्कात भाई आ गए। मिश्कात भाई सेल्फी लेनी है आपके साथ? नहीं यार, अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। मैं इंशाल्लाह कल आऊँगा ना, मीटअप रखूँगा, फिर आप रखिए। चलिए जाइए ना, खड़े हुए क्यों हैं यार आप? आ जाए खाना खाते हैं। खाना आए आप मेरे साथ? आ जाए, आ जाए आपको मैं असल मुद्दे की तरफ लेके चलता हूँ। असल आ जाए यहाँ, देखें खाने में बहुत सारी। मैं ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ यार, क्या खाने में यार, बताओ जल्दी जल्दी। पहले यहाँ पे आप यहाँ से प्लेट्स लें। प्लेट क्या यार, थाल वाल लाओ तुम। यहाँ पे प्लेट से काम चला है, उठा लें प्लेट, उठा लीजिए। और ये प्लेट अब जाएगी जहाँ जहाँ आप चलते जाएं, वहाँ वहाँ प्लेट आपके साथ साथ चलेगी। सोनू भाई भी खाने शुरू हो गए। हाँ सोनू भाई, सोनू भाई इस प्लेट को भर दीजिए, भर दें अपनी मोहब्बत से इस प्लेट को। समझ में नहीं, आप ही बताएं क्या खाना चाहिए, आप बताइए सर। मैं जहाँ जाता हूँ, झींगा है क्या? जी जी सब कुछ है, आए यहाँ पढ़ते जाते हैं। ये जो एग फ्राइड राइस है, क्या क्या चीज़ें करता हूँ? देखिए चाउमीन है, एग फ्राइड राइस है, अच्छा क्या है, चिकन शाशलिक है, ये सारी सॉसेज हैं यहाँ पे, फ्राइड फिश है, क्या है ये खोले तरह, फ्राइड प्रॉन्स। ये काम की चीज़ है, फौरन इंतजार मत कीजिए, अपनी प्लेट में डाल लीजिए और मेरी प्लेट में डाल लीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू हो जाइए। ये चीज मेरे अजीज, झींगा चावल। ये बात भाई याद आ रही है इसी बात पे, ये और मेरे ख्याल में और भी चीजें खानी है, इसी से पेट नहीं भर लें। ये लेना जरा। अरे बस मैं यार सैलेड बहुत शौक से खाता हूँ। सैलेड किस तरफ है आपका? सैलेड सलाद किस तरफ है? इस तरफ है, अच्छा मैं अभी लेता हूँ। मैं यार कुछ सैलेड लूंगा साथ ना, सलाद उस तरफ है, अच्छा मैं सलाद लेता हूँ। अच्छा मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ क्या क्या है, ठीक है शुरू से दिखाता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ है चाउमीन, ठीक है जी, यहाँ है फ्राइड राइस, यहाँ पर है, अरे मेरे पसंद शाश्लिक। वाह, टाइमिंग कब तक है, कब बंद होता है? 12 बजे बंद। क्या टाइम हो रहा है अभी? हाँ अभी अभी है 1 घंटा। ये है, ठीक है, फिश फ्राइड फिश, और ये जो हमने प्रॉन्स डाले हैं यहाँ से, ये वो आ गए, ये क्या है, ये सिर्फ फ्राइज है, ये फिर केचप वगैरह सॉस वगैरह यहाँ पर है, और यहाँ पे है हलवा पूड़ी। यहाँ क्या है जी, यहाँ पे है जी चना और तरकारी वगैरह, और इसके अंदर क्या है बॉस भाईजान, इसके अंदर क्या है? सच्ची है, उठाइएगा ये जरा उठा के दिखाएं, हम जरा दर्शन करें इसके।
ये रही, ओके अभी खाते हैं। पर ये क्या है? ये बारबेक्यू में ये चार है। बारबेक्यू अब नहीं आएगा? आपको लाइव देंगे, प्लेट नहीं। ओह माय, डाले ना यार, हम डाले तो हम खाएंगे ना, निकाले मैं आ रहा हूँ। और बाकी जो सेंटर में चीज़ें हैं, यहाँ पे है वाइट पास्ता, ठीक है जी। यहाँ पर है आई थिंक ये कीमा है, नहीं सॉरी ब्रेन मसाला है। ये है जी मिक्स नान, और ये है मेरे ख्याल में पाया जी। और भाई पाया आपने कुछ पाया? बनाते रहेंगे, कुछ खाएंगे। आपने कुछ पाया? नहीं मैंने कुछ पाया, मैंने सिर्फ झींगा पाया और पास्ता पाया। पास्ता पाया? हाँ। आप एक प्लेट में सैलेड पाया? सैलेड पाया। सैलेड कहाँ पर है? सैलेड सैलेड वहाँ से उठाए ना, वो रहा सैलेड पीछे आए, प्लेट लें उसमें सैलेड डाले। अच्छा मैं आपको ये दिखाया था इसमें क्या क्या है, और मैं दाल मिक्स वगैरह है, और ये क्या है कढ़ाई है कोई खास कुछ? अच्छा ये मटन कढ़ाई है, वो साथ चिकन कढ़ाई है, और ये क्या है? बिरयानी है। ये है जी बिरयानी, ज़बरदस्त। अच्छा जी ये क्या है? ये क्या है बॉस? ये क्या है? हॉट एंड सॉर सूप है, ओके। सैलेड मैं डाल रहा हूँ सैलेड। अच्छा हम यहाँ पे सारा सैलेड ऑप्शन है, ये सारा सैलेड सैलेड सेक्शन है। ये है उठाएं अगवानी पुलाव है, अरे वाह ज़बरदस्त। ये चिकन जिंजर है, ये है पालक पनीर है, ये है दाल चावल, ओके। अच्छा ये है बीफ हलीम और मखनी हांडी, और ये है ये भी पास्ता है, स्पाइसी पास्ता है, ये बीफ निहारी है, और मीठे में सब चीज़ें जो है ना यहाँ पर है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये पेस्ट्रीज वगैरह सारे, कस्टर्ड जेलीज हलवा सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे, फ्रूट कस्टर्ड वगैरह यहाँ पर है, और इसमें शायद आइसक्रीम है, सब चीज़ें ज़बरदस्त हो गई। अभी हम चलते हैं अपने लिए खाना लेके, अब हम यहाँ से निकलते हैं भाई। और ये अहमद भाई जिन्होंने हमें आज बुलाया यहाँ पे। अहमद भाई आप क्या खा रहे हैं? मैं इस टाइम खा रहा हूँ बारबेक्यू। हम ढूंढने गए थे, हमें नहीं मिला बारबेक्यू, अभी मंगवा लेते हैं। बैठे बैठे नहीं बात सुने, प्रॉन्स खानी है भाई, बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं फ्राइड राइस लूँगा और फिर मैं चाट लेक खाऊँगा। भाई मैं अभी ले आया हूँ चिकन शाशलिक और फ्राइड राइस और ये फ्राइड फिश, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर सैलेड रख डाले, अभी ये मैं ट्राई करूँगा। इससे पहले जो मैंने प्रॉन्स वगैरह खाए हैं और सैलेड खाए, ये भी ले आए हैं सोनू भाई भी। सोनू भाई क्या ले आए? क्या ले आए? मिक्स प्लेट। मिक्स प्लेट ले आए जी, ये मिक्स प्लेट भर ली है इन्होंने, ये खाएँगे। अहमद भाई आप क्या खा रहे हैं? ये बारबेक्यू आ गया। बारबेक्यू, बारबेक्यू में क्या क्या चीज़ें ज़रा बताएँ? के अंदर फिश कबाब है, फिश कबाब, चिकन कबाब है, सही है, और ये वाइट बोटी है, वाइट बोटी है, और ये चिकन बोटी जो चिकन बोटी है। तो आपको आप पहले यहाँ खाना ट्राई कर चुके हैं? ये मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ। अच्छा लगता है आप? बहुत मज़ेदार। ज़्यादा यहाँ का अच्छा है दादा, बारबेक्यू टू नाइट का ज़्यादा अच्छा है? टेस्ट यहाँ का ज़्यादा अच्छा है दादा, पक्की बात है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मैं तो मीठा खा रहा हूँ सर, मैं मीठे का शौकीन हूँ, तो हाँ। मैं खाने की आधी जगह रखता हूँ, आधी जगह मीठे की रखता हूँ। भाई अब हम शाशलिक ट्राई करने लगे हैं आपका, ये देखिए आप, ये हमने लिया थोड़ा सा, हमने साथ लिया जैतून, और अब हम इसको वो पट रहे थे थोड़े अलग अलग देखते। अच्छा सीन है भाई, चीज़ें जो है ना यहाँ पे, अगर मैं इसका दूसरे किसी
बूफे सिस्टम से कंपैरिजन करूं तो ये ज़्यादा बेहतर है। पैसे बच्चों के कितने हैं, बड़ों के कितने हैं, टाइमिंग क्या है, ये सब मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो खाना खाने की तरफ, ये देखें जी, अब हमारी मीठे के लिए हम दो चीज़ें ले आए, ये है लब्बेश्री और ये है खीर। खीर लब्बेश्री, और मुझे देख के जो है सोनू भाई भी उठ के जा रहे हैं खामोशी से, खा खा के अब इनकी आवाज़ भी ही निकल रही। अहमद भाई आप क्या बोलेंगे मीठे के बारे में? मैं भी आपको देख के लेके आया हूं, लब्बेश्री खीर और लब्बेश्री चेक करके बताएं कैसी है। अभी चेक करो, लोग जानना चाह रहे हैं। बहुत मजेदार, मजा आ गया, जरूर आप आए और इसको एंजॉय करें। अच्छा, लोग जानना चाह रहे हैं वेट टैक्स कितना खर्चा है, ये तो बिल आएगा तो पता चलेगा। अच्छा, बिल आएगा तो बिल आएगा, दिखाते हैं। अच्छा सही जी, हम लोगों ने खाना खा लिया, बहुत अच्छा है यहाँ का। तो ये भाई हमारे साथ हैं यहाँ पे इस्लाम रखी, कैसे खैरियत से? अच्छा, जरा लोगों को ये बताइए कि सुबह का क्या सीन है, सुबह कितने बजे ये ऑन हो जाता है और लोग कब कब आ सकते हैं? सर मंडे से जो थर्सडे तक होता है हमारा, वो हमारा सिर्फ लंच होता है 12 से 3 तक। अच्छा, लंच होता है नॉर्मल डेज में 12 से 3 तक लंच होता है। उसके चार्जेस क्या है? उसके चार्जेस 1672। अच्छा, मतलब 1672। और अगर बच्चे होंगे तो बच्चे सर 4 से 8 साल तक का जब बच्चा होगा वो हाफ होगा उसमें। हाफ जी, सही। 4 साल से छोटा है तो यार 8 साल का बच्चा कितना खाना खा लेगा? असल में सर ये बच्चा खाता कम है, ज्यादा उसके अलावा अगर नाश्ता करना हो तो वो क्या सीन है? सर नाश्ता ब्रंच होता है हमारा सैटरडे संडे ओनली, सही है। वो 10 से 12 तक होता है, 12 से फिर 3 होता है। 10 से 12 और 12 से 3 ये ब्रंच है। अच्छा, और नॉर्मल डेज में आपका सुबह का जो लंच है वो 12 से 3 हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑफ है फिर 4 से 6 बजे हमारी हाईटी होती है, उसकी भी चार्ज है 1672, उसमें इंक्लूडिंग टैक्स है उसमें, सही है। और बच्चों के हाफ, हो गए। उसके बाद फिर 7 से बुफे डिनर स्टार्ट होता है हमारा, फर्स्ट फ्लोर 7 बजे से रात 10 तक, 9 तक 7 से 9 तक हमारा फर्स्ट फ्लोर डिनर का स्टार्ट है। अच्छा, वो जो स्लॉट आएगा उसको बाहर निकलना पड़ेगा जी, 9:30 से 11:30 दूसरा स्लॉट होगा। अभी मतलब कोई बंदा आ गया जी, वो 2 घंटे बैठ सकता है 7 बजे, और वो कह रहा है भाई नहीं मैं तो खाऊंगा हजम करूंगा फिर दोबारा आओगे फिर बैठूंगा, तो क्या करेंगे उसका आप? नहीं सर, वो फर्स्ट स्लॉट टाइम देते हैं हम 2 घंटे का, 2 घंटे दो खाना 2 घंटे में खाओ और फिर पढ़ो, ऐसा नहीं वो खा के टहलता रहे हजम करे फिर दोबारा बैठ जाए। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, उसको टाइम देते हैं हम पहले ही, उसको टाइम देते हैं, वार्निंग दे देते हैं, वार्निंग नहीं कहते हम उसको टाइम देते कि भाई ये 2 घंटे हैं भाई जो खाना खा लो उसके अंदर। अच्छा, मैं गेस्ट टू गेस्ट होता है, मतलब फिर भी कोई जिद करे यार जैसे यार नहीं यार ऐसा नहीं करो मेरे साथ प्लीज, एंजॉय कर सकता है सर आउटडोर हमारा, और फिर दूसरा स्पेल जो है वो 9:30 से 11:30 अच्छा 11:30 बजे बुफे एरिया। अच्छा, और वीकेंड पे? वीकेंड पे 7 से 9 ही होता है स्लॉट, सेम ही होते हैं लेकिन वो 12 तक होता है टाइम उसका। हाँ, वीकेंड पे ही 12 जी, 2 बजे तक रखो यार वीकेंड पे। ऊपर मेन्यू है ना अला कार्ड, ऊपर अलग है, ऊपर अला कार्ड भी है, मेन्यू भी। अच्छा, है उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं मेन्यू से अला कार्ड से जो भी। अच्छा, ऊपर भी यही चीजें अलग है सर, ऊपर ऑर्डर से कर सकते हैं जो भी आपका लेना, फिर ऊपर चले जाएं, ऊपर जाके ऑर्डर करें, ऊपर अला कार्ड, नीचे ऑर्डर लेते हैं आप लोग, नीचे बुफे ना 100+ आइटम है आप एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, कितने आइटम है यहाँ का लोग बताए, कितने आइटम है? 100+ आइटम है, प्लस आइटम है जी। आप क्या समझते हैं कि अगर आपके यहाँ पे कोई आए तो क्या ऐसी चीज है जो आपकी वन ऑफ द बेस्ट है? सी फूड बहुत बेस्ट है, बेस्ट है आपका। नहीं, मैं चाइनीज दिखा है, चाइनीज आपका बहुत अच्छा है, इटालियन भी हमारा बहुत अच्छा है, इटालियन भी अच्छा है आपका, मीठा भी बहुत अच्छा है, मीठा भी हमारा, स्वीट बहुत अच्छा। मैंने बाकी सबकी ट्राई नहीं की, मैं चाइनीज सबसे पहले खाता हूँ। पाकिस्तान भी आपने खाया होगा? पाकिस्तान मिक्स वेजिटेबल, पाकिस्तान मैंने नहीं खाया, पाकिस्तान तो सियासतदान खा रहे हैं मिलके। हां वो तो खा रहे हैं, पाकिस्तानी फूड की बात कर रहा हूं मैं। हां पाकिस्तानी फूड, अच्छा अच्छा। तो भाई भाई ने सारी डिटेल्स बता दी, पैसे कितने हैं, टाइमिंग्स क्या हैं, आप कौन है यहाँ पे? मैं एज अ GRO हूँ सर, GRO फ्रंट पे, GRO होता है गेस्ट जो रिसीव करते हैं फ्रंट पे जो गोले खाने के लिए जी, बिल्कुल।
भाई क्या नाम है आपका? मेरा सईद हुसैन नाम है सर। सईद भाई बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर। लोग क्योंकि बड़ी बारीकी से डिटेल मांगते हैं कि भाई क्या है, कब है, क्यों है, तो हम उनको डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोगों की अच्छी जो है ना लोगों तक मालूम चली जाए। तो ये थी जी यहाँ की अपडेट। और बाकी हम पूछते हैं मिश्कात भाई से, उनको कैसा लगा? मिश्कात भाई आपको ओवरऑल क्या कहना है? माशाल्लाह यार बहुत बेहतरीन खाना था, और सबसे जो मुझे बेस्ट लगा वही तो मीठा इनका बड़ा अच्छा था। हाँ ठीक है, इसके अलावा इनका बारबेक्यू अच्छा है। अच्छा है, मटन में इनको मेहनत करने की जरूरत है, मटन ना थोड़ा सा। हाँ मटन में मजा नहीं आया ना, मटन मतलब और जगह को भी अच्छा, और जगह का अच्छा होता है। अहमद भाई क्या कहते हैं आप मटन के बारे में, क्या बोलते हैं? मटन में आपको थोड़ी शिकायत मिली, मटन में आपको थोड़ी शिकायत मिली जरा? बिल्कुल मिली है, मिली ना? बाकी मटन में भाई शिकायत मिली है, मटन पे थोड़ी तवज्जो दें, मटन को मुर्गी खिलाएं, सही है। बाकी ये है कि आप यहाँ का बारबेक्यू ट्राई कर सकते हैं, यहाँ का प्रॉन्स भी अच्छे थे और चाइनीज भी अच्छा था, मीठा भी अच्छा था, बाकी चीजें बेहतरीन थी। अम्मियाज भी अच्छा था, अम्मियाज भी अच्छा था। पास कर दिया आपने? पास है माशाल्लाह से, बेहतरीन। थैंक यू।